नमस्कार, मैं विवेक शर्मा। आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर वन न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के प्रमुख समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर टेक्नोलॉजी नीड्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर टू हाई स्पीड कॉपियर्स, कुसुम इन्फोटेक। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे। PIS अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलीगुड़ी। आज के दिनों के मुख्य समाचार। उत्तर बंगाल में प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों के लिए सांसद राजू बिस ने केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। नगरकांटा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति। तकनीकी खामियों की वजह से रोकी गई चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग। न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता। तृणमूल कांग्रेस के 5 पंचायत सदस्य भाजपा में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। नगरकांटा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से उत्पन्न हुई बाढ़ जैसी स्थिति है। रस्तों और सेतु के ऊपर से बह जा रहा है पानी। नगरकांटा में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मनमोहन पारा से लेकर नगरकांटा शहर को जोड़ने वाली सेतु ऊपर से बह रही है। बारिश का पानी बढ़ने से एक सेतु का कई हिस्सा टूट चुका है। पूरे नगरकांटा में लगातार बारिश के चलते रास्तों के ऊपर से भी पानी बह रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि सभी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। सिलीगुड़ी के मेयर अशोक भट्टाचार्य ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल के छात्राओं को बांटी रेनकोट। उत्तर बंगाल सहित सिलीगुड़ी में हो रही भारी बारिश के कारण विद्यार्थियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सोमवार को सिलीगुड़ी के मेयर तथा विधायक अशोक नारायण भट्टाचार्य ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गर्ल्स हाई स्कूल की 110 छात्राओं को रेनकोट प्रदान किया। उन्होंने बताया कि पार्षद फंड से छात्रों को रेनकोट प्रदान किया गया है। बारिश में बच्चों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है, इसी को ध्यान में रखते हुए रेनकोट दिया गया है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पाठ्य सामग्रियां भी छात्राओं को दी जाएगी। साथ ही वार्ड में कम्युनिटी हॉल बनाने को लेकर भी काम चल रहा है। এটা তো আমাদের কাউন্সিলর, আমরা ওয়ার্ড কমিটি থেকে ঠিক করেছি যে আমাদের একটা কাউন্সিলর ল্যাডের টাকা থাকে, সেটা দিয়ে আমরা শিক্ষা ইত্যাদি প্রসারের জন্য করে থাকি। তো এবারে আমরা ঠিক করলাম যে এই টাকা দিয়ে, সামান্য টাকা, বেশি টাকা লাগেনি এটার মধ্যে, তো আমরা দুটো ক্লাসের বাচ্চাদের রেনকোট দেবো। সেই রেনকোট দেওয়া হলো এবং শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সহযোগিতা নিয়ে। বাচ্চাদের আসতে অনেক অসুবিধা হয়, ভিজে যায়, অসুখ বিসুখ হয়, মা বাবারও খুব অসুবিধা হয় এইভাবে বাচ্চাদের স্কুলে পাঠানো বা স্কুল থেকে নিয়ে যাওয়া। তো সেই জন্য এটা দিয়েছি। নেক্সট ইয়ারে আমরা আরও 3টে ক্লাস বাকি আছে, সেই 3টে ক্লাসে আমরা এরকম রেনকোট আমরা দেব। আর ওয়ার্ড কমিটি থেকে আমাদের আরও কিছু কর্মসূচি আছে, যেমন বই দেওয়ার একটা কর্মসূচি আছে, সেটা দেবো কিছুদিনের মধ্যেই। সম্বর্ধনা হবে কৃতি ছাত্র ছাত্রীদের। তারপরে আমরা এই ওয়ার্ডে একটা ক্লাবের একটা বড় যে হল, যাতে এই এলাকার মানুষের, বিশেষ করে সংখ্যালঘু পরিবারের জন্য বিয়ে ইত্যাদির ক্ষেত্রে সহযোগিতা হয়, তার জন্য আমরা কিছু আর্থিক সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। पिछले कई दिनों से हो रहे भारी बारिश के चलते पूरे देश के साथ साथ उत्तर बंगाल के पहाड़ी राज्य में भी इसका भयानक असर दिखा जा रहा है। भूस्खलन के कारण पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के सांसद राजू बिस्ट ने केंद्र सरकार को एक पत्र मार्फत अपने दोनों जिलों में चल रहे समस्या के बारे में अवगत कराया है। और साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से अपील भी की है कि वे चल रहे प्राकृतिक आपदा में अपना पूरा सहयोग दे। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने अलीपुर द्वार में लिया बाढ़ की स्थिति का जायजा, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर दिया आवश्यक निर्देश। अलीपुर द्वार के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है और इसी को देखने के लिए रविवार को अलीपुर द्वार पहुंचे राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। उन्होंने अलीपुर द्वार के वार्ड नंबर 8 और 9 का जायजा लिया और साथ ही सर्किट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार मीना, विधायक सौरभ चक्रवर्ती समेत अन्य अधिकारी और नेता उपस्थित रहे। এখানে কতগুলো জায়গাতে এখানে ভারী বৃষ্টি হয়েছিল এবং ভুটান অরিজিন যে নদীগুলো আছে সেই নদীগুলোর জলস্তর উপরে উঠেছিল এবং কালজিনী নদী বিপশ্চিমার উপরে ছিল। বৃষ্টিটা একটু কমে, মানে কিছুক্ষণ না হওয়াতে একটা স্প্যান পেয়েছে, যাতে
জলগুলো নেমে গেছে বিভিন্ন জায়গায়। আর রিলিফ মেটেরিয়াল অ্যাডিকুয়েট আছে, সেগুলো কিছু ডিস্ট্রিবিউটেডও হয়েছে। আমি দুটো স্পটে এখন শহরের মধ্যে দুটো স্পটে যাচ্ছি। খুব বেশি বিপজ্জনক পরিস্থিতি এখানে জেলায় সেরকম রিপোর্ট নেই। সব ব্লকগুলোর খোঁজখবর নিয়েছি, জয়গাঁও থেকে শুরু করে কুমারগ্রাম, অন্যান্য ব্লকগুলো। আজকে একটা স্পটে যাব, দুটো স্পটে যাব ইনফ্যাক্ট, এবং কালকে সকালবেলা আউসকাটে আরেকটা পয়েন্টে যাব। তারপর আমরা জলপাইগুড়িতে ক্রান্তিতে যাব। তকনিকি খামিও কি ওজা সে রোকি গই চন্দ্রযান 2 কি লঞ্চিং চন্দ মিনট পহলে আই খবর। রাষ্ট্রপতি থে মৌজুদ, জলদ নই তারিখ কি ঘোষণা করেঙ্গে ইসরো। ভারত কে বহু প্রতীক্ষিত মিশন চন্দ্রযান 2 কি লঞ্চিং কো তকনিকি কারণো সে ফিলহাল রোক দিয়া গয়া হ্যায়। চন্দ্রযান 2 সোমবার তড়কে 2:51 পর উড়ান ভরনে ওয়ালা থা, লেকিন তয় উড়ান সে 56:24 পহলে তকনিকি খারাপি কে ওজা সে ইসকি লঞ্চিং কো টাল দিয়া গয়া। লঞ্চিং কি নই তারিখ কি ঘোষণা অব বাদ মে কি জায়গি। মিশন কো রোকে জানে কি কুছ দের বাদ ইসরো কি ওর সে বয়ান জারি কিয়া গয়া। ইসরো কে পাবলিক রিলেশন অফিসার গুরুপ্রসাদ নে বতায়া কি লঞ্চ ভেহিকল সিস্টেম মে লঞ্চিং সে করিব 1 ঘন্টে পহলে তকনিকি খারাপি আ গই। ইস কারণ এহতিয়ান আজ চন্দ্রযান 2 মিশন কি লঞ্চিং কো টাল দিয়া গয়া হ্যায়। লঞ্চিং কি নই তারিখ কি ঘোষণা অব বাদ মে কি জায়গি। তৃণমূল কংগ্রেস কে 5 পঞ্চায়েত সদস্য ভাজপা মে হুয়ে শামিল। সিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ি মে ভাজপা কে প্রদেশ অধ্যক্ষ দিলীপ ঘোষ নে পার্টি কা ঝন্ডা দেকর কিয়া স্বাগত। ফুলবাড়ি 1 নম্বর অঞ্চল কে তৃণমূল কংগ্রেস কে 5 পঞ্চায়েত সদস্য রবিবার কো ভাজপা মে শামিল হো। ভাজপা কে প্রদেশ অধ্যক্ষ দিলীপ ঘোষ নে ইন সভি কো পার্টি কা ঝন্ডা থামা কর আপনে দল মে শামিল কিয়া। ইস অবসর পর দিলীপ ঘোষ নে পশ্চিম বঙ্গাল মে লোকসভা চুনাও মে 18 সিটো পর ভাজপা কো বিজয় বনানে কে লিয়ে রাজ্যবাসীও কে প্রতি আপনি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত কি। উনোনে কাহা কি ভাজপা পশ্চিম বঙ্গাল কি জনতা কি আকাঙ্ক্ষাও কো পুরা করনে কি পুরি কোশিশ করেগি। কল মঙ্গলবার কো 149 সাল বাদ লাগেগা দুর্লভ চন্দ্রগ্রহণ। অরুণাচল প্রদেশ কে দুর্গম উত্তর পূর্বী হিস্সো কো ছোড়কর দেশভর মে দেখা যা সকেগা। কল ইয়ানি মঙ্গলবার রাত ইস সাল কা দুসরা চন্দ্রগ্রহণ লগনে ওয়ালা হ্যায়। সরকার কি ওর সে জারি বয়ান কে মুতাবিক ইয়াহ আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হোগা, জিসে অরুণাচল প্রদেশ কে দুর্গম উত্তর পূর্বী হিস্সো কো ছোড়কর দেশভর মে দেখা যা সকেগা। यह रात 1:31 से शुरू होकर 4:30 तक रहेगा। ऐसा 149 साल बाद होने जा रहा है जब गुरु पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण भी पड़ेगा। यह रात 3:01 पर पूरे चरम पर होगा जब धरती की छाया चंद्रमा के आधे से ज्यादा हिस्से को ढक लेगी। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Apollo Clinic, expertise closer to you. Apollo Clinic, now in Siliguri. Services offered, doctor consultation, all kind of blood tests, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moore, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 89002-9311.
अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। समकतला थाने के पूर्व चेपान इलाके में 31 राष्ट्रीय राजमार्ग में आसाम से सिलीगुड़ी आ रही लॉरी अचानक से नियंत्रण होकर एक कलबर्ट में जा गिरी। पुलिस सूत्रों के जानकारी मिली है कि भारी बारिश की वजह से यह घटना घटी है। उक्त घटना में घायल लॉरी चालक को स्थानीय लोगों की मदद से समकतुला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समकतुला थाने की पुलिस घटने की जांच में जुटी हुई है। वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे राज्य में 14 जुलाई से वन महोत्सव शुरू किया गया है। इसके तहत सोमवार को लोगों को पेड़ पौधे लगाने को प्रेरित करने के लिए पानी टैंकी स्थित रामकृष्ण शारदामणि विद्यापीठ स्कूल के विद्यार्थियों को लेकर वन विभाग के द्वारा एक रैली निकाली गई। এই বছর 2019 এর বন মহোৎসব পালন করা হচ্ছে এই শারদামণি স্কুলে শিলিগুড়ি মহকুমা অন্তর্গত। তো আজকে এখান থেকে আমরা একটা পথযাত্রা করব, ফিরে এসে এখানে প্ল্যান্টিং করব। প্ল্যান্টিং করে তারপরে আমাদের একটা অনুষ্ঠান হবে, প্রোগ্রাম হবে। এই র্যালিটা এই শহরে অল্প অল্প কিছু হবে, 1 কিলোমিটার মতন। হ্যাঁ, এখানে এসে ট্রি প্ল্যান্টিং করে, এই প্রাঙ্গনে ট্রি প্ল্যান্টিং করে তারপরে প্রোগ্রামটা শুরু হবে। 20 মিলিলিটার কা গ্যাপ বনা জিন্দগি মৌত কে বীচ কা খাই। কলকাতা মেট্রো মে ফসে বৃদ্ধ কি গই জান। কলকাতা মেট্রো মে শনিবার কো 66 সাল কে বুজুর্গ কি দরওয়াজে মে হাত ফসনে কে কারণ মৌত হো গই। जांच में पता चला है कि सिर्फ 20 मिलीमीटर के एक मामूली से गैप की वजह से यह हादसा हुआ था। दरअसल मेट्रो के दरवाजों में ऐसी पैडिंग लगी होती है जो उंगलियों के दरवाजों के बीच आने पर सेंसर को एक्टिवेट करती है और दरवाजे को बंद होने से रोकती है। लेकिन ऐसा तभी होता है जब दरवाजों के बीच की दूरी 20 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, उससे कम होने पर सेंसर म्यूट हो जाते हैं। यह जानकारी मेट्रो रेलवे के अधिकारियों ने दी है। शनिवार को सज्जल कांजीलाल के साथ हुए हादसे की वजह पता करने के लिए अधिकारियों ने वैसी ही परिस्थितियां बताई। टेक्नीशियंस और अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि अगर दो दरवाजों के बीच लगे फ्लैप्स की दूरी 20 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं है तो दरवाजों के बीच लगा रिले स्विच ड्राइवर के कैबिन को अलर्ट नहीं भेजेगा और ना ही ट्रैक्शन मोटर को एक्टिवेट करेगा। इन फ्लैप्स के बीच रबर लगाया जाता है ताकि 20 मिलीमीटर से कम की दूरी में कुछ फंसने पर चोट ना लगे और व्यक्ति उतनी देर में अपना हाथ वापस खींच सके। यही रबर दरवाजों को सील भी करता है। अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया है कि सजल की कलाई दरवाजे में फंसी थी और वह ट्रेन चलने पर हाथ नहीं निकाल सके। बिहार में बाढ़ से बनी हुई है त्राहिमाम की स्थिति। कहीं जगह तट बांध टूटने से पटना नेपाल सड़क संपर्क भी हुआ है भंग। बिहार व नेपाल के जलग्रहण वाले इलाकों में भारी बारिश के कारण बिहार में अब जल प्रलय जैसे हालात बनते दिख। कोसी व बागमती सहित प्रमुख नदियों में भयानक उफान के कारण त्राहिमाम की स्थिति है। देर रात बागमती के पानी के कारण सीतामढ़ी में पटना को नेपाल से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पुल टूट गया। उधर कोसी प्रमंडल में तटबंध के भीतर अचानक पानी के प्रवेश के बाद वहां से लोगों का पलायन शुरू है। सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, चंपारण व किशनगंज सहित जगह जगह तटबंध टूटे हुए हैं। कोसी तटबंध पर पानी का भयानक दबाव है। एहतियातन कोसी बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बराज के सभी 56 फाटक खोल दिए गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर प्रशासन अलर्ट मोड में है। प्रभावित जिलों में सरकारी अधिकारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। इधर पीड़ित लोग भी प्रदर्शन करने लगे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ से भीषण तबाही का मंजर, हालत होते जा रहे बेकाबू, 35 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। लगातार हो रही बारिश से नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन ने हालात बदतर बना दिए हैं। बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन के कारण यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 तक हो गई है। वहीं इस बाढ़ में 38 लोग घायल हुए हैं। बाढ़ के बाद 30 लोग लापता हुए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। नेपाल में बाढ़ से 28 जिले प्रभावित हुए हैं। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों से 1146 लोगों को बचाया गया है। बाढ़ के कारण कई मुख्य राजमार्गों पर यातायात ठप है।
देश के ज्यादातर इलाके जलमग्न। रन विद रोशनी फाउंडेशन ने नारियों के लिए एक अलग कार्यक्रम के तहत गर्ल्स एंड सेशन कार्यक्रम का रविवार से कालिंपोंग में शुभारंभ किया। विशेषकर समाज के महिलाओं के बीच अंतरवार्ता और उनके अनुभव को साझा कर महिलाओं को संपूर्ण विकास और सशक्तिकरण को मुख्य लक्ष्य बनाते हुए शुरू किए गए इस कार्यक्रम का पहला सेशन आयोजन कल किया गया, जिसमें कालिंपोंग के विभिन्न पेश व्यवसाय और सामाजिक कार्यों से जड़ित महिलाओं की काफी उपस्थिति रही थी। हमारे संवाददाता से विशेष रूप से बात करते हुए फाउंडेशन की संस्थापिका रोशनी राय ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। गोर्खा कम्युनिटी को आइडेन्टिटी को बारे में हमें प्रमोट करते गई छूँ हाई जहाँ ज्यादाखे हम कम्युनिटी में ये राम्रो ह्यूमन एम्पावरमेंट को कुरा भइराखे हमें सुनछौं अल ओवर इंडिया में, तर हम गोर्खा कम्युनिटी को ह्यूमन अलरेडी नहीं एम्पावर्ड हाई अने हमी के अब अरु कम्युनिटी में जस्तु दहेज दिपर्ने तस्त खाले छाइन योगला हमें कसरी प्रमोट करने हमी ह्यूमन नहीं अगड़ी आएर गये योगला अज प्रमोट करते लान सकता भाव विश्वास हाई अभी हमें एवरी इयर हामीले बम्बई म्याराथन, दिल्ली म्याराथन, हैदराबाद म्याराथन में टीम रन विथ रोशनी लगे जान्छौं। त्यस बेला पनि इच्छुक हाई के टीचर्स हुनुहुन्छ, डिफरेंट प्रोफेशन को लेडिज हुनुहुन्छ हाई, लेडिज मात्र नभएर अरु जो पनि हुनुहुन्छ हामीसँग आउन सक्नुहुन्छ आफ्नै खर्चमा हाई। त्यो कुराहरुलाई पनि बताउनको लागि चाहिँ अब हामीले गर्ल्स ओन्ली सेशन गरिराखेको छौं। अनि यहाँनिर चाहिँ अब हामीले रन विथ रोशनीको बारेमा मात्र नबोलेर तर उहाँहरुको पनि आफ्नो के एक्सपीरियन्सहरु हामीले यहाँनिर सुन्दैछौँ। अनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै इन्सपायरिङ अब हामीले झन् इन्स्पिरेशन पाइराखेको छौं। वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में सुपर लक से न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप का खिताब जीता। लंदन का ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम लॉर्ड्स, जिसे लोग क्रिकेट का मक्का कहते हैं, यही मैदान एक बार फिर वर्ल्ड कप के फाइनल का गवाह बना। पांचवी बार लॉर्ड्स में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हुआ, जो क्रिकेट के इतिहास में सबसे रोमांचक फाइनल मुकाबला कहा जाएगा। वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में सुपर लक से न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप के 12वें सीजन का फाइनल पहले तो टाई हो गया, ऐसे में नतीजा सुपर ओवर में निकलना था, लेकिन सुपर ओवर भी टाई हो गया। इस तरह इंग्लैंड को मैच में बाउंड्री ज्यादा लगाने के नियम के आधार पर विजेता घोषित कर दिया गया। आज के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।